भारत और पाकिस्तान की तलखियां बढ़ती जा रही है। इसका उदाहरण है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में आए तनाव का असर सार्क की मीटिंग में भी देखने को मिला। सार्क की मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी से कोई बातचीत नहीं की। वहीं जब मीटिंग में कुरैशी के बोलने का समय आया तो सुषमा उससे पहले ही वहां से निकल गई। इस पर कुरैशी ने नाराजगी जताई। दरअसल न्यूयॉर्क में आयोजित सार्क में सुषमा स्वराज के भाषण के बाद कुरैशी को संबोधित करना था, लेकिन सुषमा ने अपना भाषण दिया और कुरैशी को सुने बिना ही अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकल गई। पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि एक मंच पर रहते हुए भी भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, उनका भाषण सुना तक नहीं। बात बिल्कुल साफ है कि जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी नापाक पाकिस्तान को ये बात कहां समझ आती है। उसके बावजूद भी कुरैशी के मन में सवाल आते हैं और सुषमा का वहां से जाना उन्हें पसंद नहीं आता। फिलहाल सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हुए कहा कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी समूह सरकारी समर्थन से फल फूल रहे हैं और ऐसे आतंकवादी संगठनों के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना आतंकवाद से लड़ने की दिशा में पहला कदम होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई के साथ काले धन को वैध बनाने, आतंकवादियों का वित्तीय मदद देने और उग्रवाद को रोकने के मसले पर विचार विमर्श के लिए ब्रिक्स सम्मेलन बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना आतंकवाद से लड़ने के लिए पहला कदम होगा। यश खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।